आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। भिंड में ईवीएम तोड़े जाने की घटना के अलावा कई जगह से ईवीएम मशीनें खराब होने की शिकायतें मिली। वहीं महगांव में एक युवक को गोली मार दी गई, जिस कारण कुछ जगह मतदान देर से शुरू हुआ तो कुछ जगह मतदान रोकना पड़ा। मतदान के काम में लगे 3 अधिकारियों के निधन की भी खबर है। भिंड में लाहार विधानसभा के रायपुरा पोलिंग क्रमांक 39-40 पर ईवीएम मशीनें तोड़े जाने की खबर आई। यहां कुछ दबंग असामाजिक तत्वों ने मशीन तोड़ने के बाद तहसीलदार की गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की। भिंड की महगांव विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुरा गांव में स्थित पोलिंग बूथ क्रमांक 218 पर युवक को गोली मारी। युवक प्रदीप सिंह भदौरिया के चेहरे पर गोली लगी। गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार के समर्थकों पर गोली चलने का आरोप लगाया गया है। प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार को महगांव थाने में नजरबंद किया गया। मध्य भारत महाकौशल बुंदेलखंड मालवा और ग्वालियर चंबल इलाके में कई जगह से ईवीएम खराब होने की खबरें आईं, जिस कारण कुछ जगह मतदान का काम रुका रहा। भोपाल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीएल कांता राव मतदान करने पहुंचे तो वहां भी ईवीएम में दिक्कत सामने आई। थोड़ी सी 15 मिनट देरी हुई है वोट डालने में, क्योंकि वो मशीन का जो वायर है वो थोड़ा लूज था, तो पूरा प्रक्रिया पोलिंग एजेंट्स को बुला के उनके सामने जो मशीन जो ईवीएम मशीन है उसको खोल के दोबारा सील करने की प्रक्रिया की गई है और अभी पोलिंग शुरू हो गई है। पूरे मध्य प्रदेश में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखना गया। विजावर विधानसभा के सखी मतदान केंद्र पर शासकीय कन्या उच्चतर महाविद्यालय में 90 साल की हमीदा मतदान करने पहुंची, जहां उन्हें व्हीलचेयर के माध्यम से बूथ तक पहुंचाया गया। छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। हम 9 महीने बाद बीमार छूटने का प्लान, फिर भी हम अपना वोट डालने के लिए आए, देश के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए। और हमारी आप सबसे यही अपील है कि अपने देश के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप भी अपना वोट डालने चाहिए। सभी जगह मतदान केंद्रों में सुबह से ही लंबी लंबी कतार देखने को मिली। लोग मतदान शुरू होते ही मतदान स्थल पर पहुंच गए। मतदान स्थल पर ऐसे भी मतदाता पहुंचे जो दिव्यांग थे, वह भी अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। बमोरी विधानसभा के परांठ मतदान केंद्र पर ड्यूटी कर रहे सोहन लाल बाथम की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वह मतदाताओं को लाइन में लगा रहे थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। गुना के अलावा इंदौर में भी 2 चुनाव पदाधिकारी की मौत हो गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।